तो देखो यार, फैंटम रेंजर ना बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, एंड हमारे बोन भैया वही आज यूज़ कर रहे हैं। एंड देखो यार, वैसे तो ये इजी टू यूज़ है, मूव सारे कैंसिल करने पड़ते हैं, ट्रिक्स लगानी पड़ती है, क्योंकि जो इसका स्ट्राइक है बैक पेडल बैरल वाला, ये बहुत स्लो पड़ता है जाके ओपोनेंट को। अगर आप क्लोज रेंज में हो तो जल्दी पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग रेंज में हो तो वो स्वाइप इजीली कर सकता है, या तो अगर आपने ओपोनेंट को ऑलरेडी बीट या नॉक बैक करके रखा है तो वो इजीली पड़ जाता है, तो हवा में रहेगा तब भी इजी पड़ेगा, बाकी के मूव, बाकी के जो टाइम है वो स्वाइप और ब्लॉक हो जाता है, इजी रहता है स्वाइप और ब्लॉक में। तो वैसे तो ईजी टू यूज़ है एंड बहुत ईजी है ब्लॉक करना भी इसको, बट जिसने इसको अच्छे से यूज़ करना सीख लिया ना भाई, वो मतलब ब्रेकआउट मतलब ब्रेकर मारने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा कभी भी, तो समझ रहे, मतलब स्ट्राइक से उसको इतना भर दिया जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ब्रेकर मेरे को मारना कैसे है। तो यहाँ पे हमारे बोन भाई खेल रहे हैं, और यहाँ पे सामने वाली जो है पार्टी है वो भाई साहब चला रही है एलिसा, और बहुत गजब चला रही है, ऐसा नहीं है यार, लेवल 1 चला रही है और 29 HP है वो। ये क्या कर रहा था, ये टांगे कहीं और ही खोल दी, अच्छा भाई देख के खोलो टांगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले पेल दिए गए। खैर बहुत बढ़िया, स्ट्राइक का डैमेज सही है एंड गजब यार एकदम। एंड अब खेल रहे हैं किंग भैया HK-47 वाले के, क्या बात है, डेविल वाली, ओके तो किम्बरली जिनका नाम है डेविल, एंड यहाँ पे हमारे खेल रहे किंग भाई, एंड भाई सब स्ट्राइक आउट बहुत सही, मतलब तो पहले से स्ट्राइक से शुरुआत हुई है एंड सुताई अब चालू हो रही है भाई, वो बहुत बढ़िया, चार पांच तो लाते पड़ती हैं भाई, उसके बाद जो बीन पर, अरे यार शाबाश, उसके बाद जो, अरे बहुत बढ़िया, अरे आँख में फोड़ दे, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, लपेट भाई सुअर वक्त, तो सुताई जारी है अभी तक की, और बहुत ज़्यादा HP तगड़ी, आउटो लेवल का बैच है, तब भी किम्बरली पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रही है, वो क्या बात है, ओ भाई साहब लैग OP बहुत बढ़िया, लाउंडे का लैग हो रहा भाई इसी बात पे, ओके सुपर चैट कर दो मेरे को, बहुत बढ़िया लैग हो रहा है, और हो सकता है लाउंडा अब हार भी जाए, नहीं किम्बरली के पास सुपर मोड आ गया है, पता नहीं कब सुपर मोड यूज़ करेंगे महाराज, और मेरे को लगता नहीं था, ओके स्ट्राइक आउट, अरे क्या चमन बनोगे तुम, पहले डिफेंस मानना चाहिए ना, तुम गुंडा नहीं बन पा रहे हो भाई, डेविल ब्रो तुम गुंडा लियो बहुत सीढ़ी के, तुमको पता ही नहीं कि किम्बरली को यूज़ कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया भाई, तो मज़ा आ जाएगा मेरे को पूरा लग रहा है। एंड यहाँ पे है हमारे UA रॉन वाइटी भैया, एंड रॉन वाइटी भाई चला रहे हैं रेंजर्स लेयर लेवल 3, और सामने है जगतकार क्या बात है लेवल 5, तो देखो इंटेंस बैटल है, लेवल 5 होके भी 30,000 हेल्थ, लेवल 3 होके भी 31K हेल्थ, बहुत बढ़िया, ईपिक कॉमन और ईपिक, अच्छा कॉमन लेवल 10 है, बहुत बढ़िया, इसीलिए हेल्थ ज़्यादा है, बहुत सही, तो इसे कहते हैं हेल्थ बढ़ाने की निंजा टेक्निक, और एक दो कॉमन वॉरियर जो है यूज़ कर लो टीम में, ताकि जो है हेल्थ बहुत सुअर हो जाए, एक कॉमन और एक ईपिक यूज़ कर लो, हेल्थ और डैमेज सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे भाई साहब ओके, अरे भैया इतना भी क्या टैलेंट लो, बहुत बढ़िया, वहीं से मार सकते थे एक ब्रेकर, बहुत सही, अभी तक तो सब सही सलामत चल लिया है, आगे पता नहीं GST-VST लग जाए क्या पता, अबे स्वाइप करे जा रहा है वो जिंदा, ओके बूम, ओके ओ भाई लपेट दिया, क्या बात है, बहुत फास्ट खेल रहे थे, क्या स्पीड बढ़ाई थी क्या, समराई रेंजर्स और श्रीवांश भाई, ओके समराई रेंजर वर्सेस श्रीवांश, जैक DS दोनों ही, एंड दोनों ही एक जैसा ही सारा टीम लिए है, किया और वो, किया और ब्रेकर, ठीक है, उन्होंने जैक लगाई है, इन्होंने भाई साहब लगाया है एस्ट्रोनोमा, एंड देखो अब स्वाइप तो करो, स्वाइप क्यों नहीं कर रहे हो, स्वाइप कब कौन करेगा स्वाइप ना, हमें नौकरी पर रख लो स्वाइप करने के लिए, कोई चक्कर ना है, किसी गरीब को नौकरी मिल जाएगी और क्या चाहिए भाई, स्वाइप करो, ओके ब्रेकर बहुत बढ़िया ब्रेकर की अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहीं लपेट दो भाई, जहाँ दिखे सांप मतलब मार दो वहीं पे, समझ रहे हो, इसके आगे लाइन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो अब चाइल्ड पर्पज़ से भी हम बनाते हैं, तो समझ रहे हो ना मतलब बच्चों, तो यहाँ पे है बहुत सही ब्रेकर लपेटा है आप लोगों ने नहीं, सिर्फ आपने समराई भैया एंड EMP बूम, ये कौन आया, तो बूटी लवर भैया आए हैं साथ में EMP भाई के साथ में, बिग बर्ड बूटी, ओके तो बूटी भाई स्पैमिंग के बादशाह, आओ जल्दी आओ, ओके 50 की हेल्थ है उसकी भाई, जो ओके यहाँ पे ये 42 है, ऑलमोस्ट 42 भी नहीं है, 40 45 वो बहुत सही बहुत बढ़िया, स्कॉर्पिना का इस्तेमाल कौन करेगा भाई, स्कॉर्पिना का इस्तेमाल करो, ओके बहुत बढ़िया, पॉइजन 150 है भाई, पॉइजन 150 है, मतलब पहले की बैटल है मैं लेना भूल गया, ओके यानी कि ओल्ड बैटल है, नर्फ होने के पहले का बैटल है, तुम देख लो, अब अगर बूटी इस टीम के साथ जीत के दिखाए तो मैं जानूँ कि भैया जीत के दिखाए, अरे मार डाल इसकी मांग, अरे भाई सब क्या बात है सर, क्या बात है,
बहुत सही। अरे क्या स्पैमिंग करता है भाई, ओपी 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 स्पैमिंग, गजब स्पैम। लो ब्रेकर स्ट्राइक, और अब ये लेगा सुपर मोड, वो मैं बोल दिया था ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। अरे मार दे, ओ भाई पूरा टेक्निक समझ गया मैं बूटी लवर का, पूरी टेक्निक समझ में मेरे को आ गई बूटी की, भाई क्या है हर्ष ओपी विद बूटी अगेन, पूरा मेरे को समझ में आया कि बूटी खेलता कैसे, इसकी स्ट्रेटजी क्या है और बनाता कैसे। अब अगर बूटी मेरे साथ खेलेगा तो भाई सुअर काट दिया जाएगा, रोला जमाना है रोला। अभी कल तो स्ट्रीम पे मेरा ही रोला जम गया साला, मैं सोच लिया कि मैं यूए की ले रहा हूँ, उल्टा लोगों ने मेरी ले ली। खैर छोड़ो, लोग कौन कौन लोग कल स्ट्रीम पे थे, और अगर आप लोग नहीं थे ना स्ट्रीम पे तो भाई रात को आया करो, 9:30 के बाद, 9:30 तक वहाँ पे स्ट्रीम चलती है, बहुत रोला जमाते हैं हम लोग, मतलब दबदबा होता है अपना क्रेज, समझ रहे हो ना, तो समझो कतई। ओके स्पैमिंग अगेन स्पैमिंग, ये है बैटल आफ्टर अपडेट, क्योंकि इसमें चुनली की जगह लगाया, मतलब कि स्कॉर्पियन की जगह लगाया है चुनली, एंड बूम डबल डिफेंस का क्या ही मतलब है यार, दो दो शील्ड ब्लॉक पड़ी हैं भैया के पास, एंड बताना क्या होगा। देखो आजा स्ट्राइक मार, बूम बहुत बढ़िया बहुत सही, एंड अब मारेगा भाई स्ट्राइक, ये देख लेना। अरे मैं पीछे जाएगा अब ड्रैगन शॉट, बहुत बढ़िया शाबाश। अब सुपर मोड लेगा और फर्स्ट लॉट का डिफेंस, नहीं बहन चुत, अब मारेगा फर्स्ट लॉट का डिफेंस। ओके बूम और एक स्ट्राइक, मैं बोल लिया था ना भाई, पूरा मेरे को समझ में आ गया है कि खेलने का स्टाइल क्या है बूटी का, मूव कौन कौन से यूज़ करता है किस टाइम पे, कभी एक आधा गलत हो गया तो ठीक है, वरना फुल रोला जमाते हैं। शुभम भाई ओपोनेंट हैं क्या बात, ये वाईफाई कौन चला रही है भाई, ना गेम प्ले के बीच में वाईफाई नहीं चलाओ भाई, बहुत गलत बात है। MTXXX जय भैया, MT तो ठीक है, XXX का क्या मतलब है, तीन गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, खैर छोड़ो दूसरों की सेटिंग पर ध्यान ना देते हम। ओके तो यहाँ पे रोला जम, अरे भैया स्ट्राइक आउट कौन नहीं कर पाता है पता नहीं क्यों, ओबे भाई तुम भी स्टन हो ही गए ले हो। शुभम भाई अलायंस की बेइज्जती करवाओगे, अबे थोड़ी सी तो इज्जत रख लो कम से कम, हमसे पी लोगे घंटों ही लोगे वाला डायलॉग मार दो इसके सामने, महीनों हिला दो, ले हो तुमसे ना हो पाएगा शुभम भाई, मैं समझ गया लैंडी खिलाड़ी हो, अलायंस की बेइज्जती करा रहे हो, बस बेइज्जती ही बेइज्जती है अपनी अलायंस की। ओके ऐसा होना चाहिए कि मेरी अलायंस का बंदा किसी से हारना नहीं चाहिए, और ऐसा हो रहा है कि मेरी अलायंस का बंदा किसी से बच नहीं रहा है, सारा सबसे हार रहे हैं लौंडे पता नहीं क्यों। SVS भैया हमारे ये भी अलायंस के ही हैं, ये पता नहीं कौन सा गुल खिलाएंगे, ईविल के साथ खेल रहे हैं दीप भैया, देखो क्या होता है। आओ आगे बढ़ो, डिफेंस इतना स्लो लेने का क्या मतलब, आगे बढ़ के एक और बार लेते सब सही रहता। ओके स्ट्राइक मार के कैंसिल मारो, ब्रेकर मारो, देखा समझाना पड़ता है लौंडे को कि भाई खेलो कैसे तुम। ओके आओ डिफेंस लो बहुत बढ़िया, इतना भी मेरी बातों को फॉलो मत करो, स्ट्राइक कैंसिल करते तब जाके डिफेंस लेते तब भी चल जाता, समझ रहे हो, वो ब्रेकआउट नहीं करता फिर। ओके स्ट्राइक कैंसिल, ओके बहुत बढ़िया, क्लोज जाओ चार वाला मिडल स्लॉट मारो, अरे इतना भी नहीं समझदार बनो यार, क्लोज जाके चार वाला मिडल स्लॉट बोला था तो मिडल मतलब स्ट्राइक बीच वाला, हाँ ये हक दोस्त के मुँह पे, बहुत बढ़िया ब्रेकर बहुत सही, मतलब समझा रहा हूँ भाई कैसे खेलना है, रोला कैसे जमा ले, स्वाइप कर लो आगे को, अबे यार जब मबल शॉट आया करे ना तो पीछे के जगह आगे को स्वाइप बैक करो ताकि वो तुमको आगे बढ़ के ब्रेकर ना मार सके, ये टिप मैं कितनी बार बताऊं यार, मैं हर ले भाई ये ओम फो, अब तो लौंडा जवान हो गया ओम प्रकाश अपना, खैर छोड़ो अबे स्ट्राइक आउट नहीं कर पा रहे हो यार, चार ले गया भाई अपना लौंडा, खैर ओम प्रकाश अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, अच्छा ऑफिशियल वाली लाइस से चलो थोड़ी तो इज्जत रह गई, खैर कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे जो है उमित भाई स्ट्राइकआउट, ओके कर भी दिया क्या बात है, स्ट्राइकआउट कर दिया, एक और स्ट्राइक लपेट दिया, लौंडे को छोड़ेंगे नहीं मेरे को लग रहा, सोनू भाई ओके चुनली रेंजर के साथ एक ब्रेकर और एक स्ट्राइक के साथ खेल रहे हैं, ये बढ़िया है, सैम भी अच्छा है लेकिन इतनी भी क्या ज़रूरत थी। ओके बूम, ओ भाई ब्रेकर नहीं पड़ा उसका, बहुत बढ़िया शाबाश उमित भाई, क्या अरे दबदबा है तुम्हारा मेरे को पता है, लेकिन ब्रेकर मारो अबे ले, वो डबल ब्लॉक होते हुए भी लौंडे ब्लॉक नहीं कर पा रहे, वाह क्या लौंडे हैं हमारे गांव के, बहुत बढ़िया खेलते हैं भाई मैं बताऊं, बहुत सुअर, अरे यार ले पिल गए सब बात गए, ओ बच गया, ओके इतना डैमेज नहीं है उसका मेरे को पता है, मजाक कर लिया था गाइस, ये देखो दो दो बबल फूट ले भाई, वाह क्या रेंज है चुनली के ब्रेकर की, बड़े हर किसी को ना आती चुनली रेंजर यूज़ करना, समझ रहे हो, हमसे ट्रेनिंग लो पहले, गॉट रमंग वर्सेस हमारे बॉन भैया क्या रोला जमा दियो क्या बैटल में। ओके डिफेंस, अरे भैया
आशीष तो खतरनाक लगा हो ब्लैक निंजा वर्सेस वो अपना सामने वाला लौंडा जो भी है, खैर छोड़ो आगे बढ़ो। स्ट्राइकआउट कैंसिल ब्रेकर बहुत बढ़िया। फर्स्ट लॉट का ब्रेकर थोड़ा सा स्लो लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बाकी देखा अरे वाह भाई ब्लैक निंजा आशीष ओपी है, फुल रेंज है, मज़ा आ जाती है खेलने में। मैं सही बताऊँ तो वहाँ वहाँ तक कूद कूद के मारता है बॉम ब्रेकर। अरे मिडल स्लॉट बहुत बढ़िया, क्या बात है, कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आओ डिफेंस मार डिफेंस, वो स्ट्राइक ही मारेगा तो डिफेंस, अबे भाई ये ब्रेकर मार दिस लो, मैं बोल लिया वो स्ट्राइक मारेगा तुम डिफेंस मारो, तुम पता नहीं कौन से हवस में घुसे पड़े हो। आओ अबे भाई तुम डिफेंस मारोगे ओके, अरे ब्लैक निंजा से स्टार्टिंग करो मानना भाई साहब, वरना ज़िंदगी भर हिलोगे महीनों। अबे भाई अब तो लग रहा है हार जाओगे तुम, अरे ब्लैक निंजा से मानना चालू करो चचा, क्या कर रहे हो। लियो 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 गए तुम, अब तो नहीं बचोगे मेरे को लग रहा है। अरे चलो ठीक है, सुपर एबिलिटी से काम चल गया, बहुत बढ़िया भाई। ब्लैक निंजा क्यों नहीं मार रहे थे, मतलब क्या नशे हैं ये। ऐसे कंडीशन में ब्लैक निंजा यूज़ करो सबसे पहले, समझ रहे हो। समीन भाई वर्सेस टॉप एसडी गेमर, एसडी गेमर मतलब क्या होता है यार, मेरे को कोई समझाएगा प्लीज़। और यहाँ पे भाई साहब समीन भैया खेल रहे, समीम नाम है, क्या बात है, शमीम भाई खेल रहे हैं येलो निंजा के साथ, और येलो निंजा असिस्ट भी है साथ में। और हमारा अपोनेंट अंटोनियो यूज़ कर रहा है डबल ब्लॉक। अंटोनियो के साथ डबल ब्लॉक का क्या यूज़ है भाई, अंटोनियो के साथ यूज़ करना है तो एक ब्लॉक यूज़ करो, दो ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारे पास तीन तीन स्लॉट में ब्लॉक हो जाएगा, उसकी ज़रूरत है नहीं कोई मेरे अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग तो उसकी कोई, अरे लपेट दिया गया भाई अपना, चलो शाबाश 3500 का डैमेज अलग लियो, वो दोनों पड़े बहुत बढ़िया ओके बहुत सही, लपेटते रहो, मेरे को पूरा भरोसा है तुम हारोगे नहीं जीतोगे जरूर। ओके ग्राउंड टैग सही है भाई। ओके एक और अबे डिफेंस ले, चलो कोई नहीं, डिफेंस से भी स्ट्राइक भी सही है, सब सही है, बहुत बढ़िया। डिफेंसिव लास्ट में वैसे ज़्यादातर काम करता है। सूरीकेन भाई का बैटल है एंड 2K व्यू तमिलियन, ओ भाई तमिलियन में वीडियो बनाते हो क्या, 2K व्यू आ जाते हैं। और भाई शाबाश, असिस्ट स्पैमिंग करना ज़रूरी है मेरे को लगता है इस बैटल में, और असिस्ट स्पैमिंग वाले हैं भी नहीं, सूरीकेन भाई ने नॉर्मल असिस्ट रखे हैं। लियो लपेटे में भी आ गए सूरीकेन भैया, ओके डिफेंस खेल लेते अभी तक की, अब पता नहीं क्या खेल, ओके बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़ जाओ यार तुम भी, कतई थोड़ा बहुत लो, हिलने की ज़रूरत नहीं है भाई, वहीं डायरी निकाल के कापी पेन में नोट करने लग जाते हैं कि भाई किसने कितने रुपया खर्चा किया गेम के ऊपर, समझ रहे हो। वो पीछे पे पीछे हुए जा रहा है, स्वाइप पे स्वाइप किए जा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तुम लो वाह भाई वाह, सूरीकेन भाई कौन से गाँव में तुमने ट्रेनिंग ली, लो अपोनेंट भी चमन है, तुम भी चमन, अपोनेंट भी चमन, सब चमन चमन हो गया भाई, उजड़ा चमन, लो बहुत बढ़िया। वाह क्या बात है, क्या स्टाइलिश बैटल देखने को मिली है मेरे को, ओ खत्म, क्या बात है, ओपी खिलाड़ा, अरे मजे आ गए भाई, तुमने तो रोला जमा दिया। तो अब आ रहे हैं हमारे श्री रेंजर राहुल भाई वर्सेस अनबू तो हमारे स्ट्रीम पे आते रहते हैं भाई कभी कभी। ओके तो रेंजर राहुल भाई ब्लैक निंजा ब्लैक डीटी यूज़ कर रहे हैं, साथ में दो स्ट्राइक यूज़ कर रहे हैं, ये बढ़िया टीम है उनकी और बढ़िया अच्छा कॉम्बिनेशन है टीम का। तो यहाँ पे हमारे अनबु भैया जैक जैसन यूज़ कर रहे हैं साथ में दो एक स्ट्राइक और एक ब्रेकर के साथ। तो देखो यार कॉम्बिनेशन की जो अरे डिमांड है वो शायद से बन जाए, इनके पास दो ब्रेकर हैं और एक डिफेंसिव है एक स्ट्राइक है, वैसे दोनों की टीम ज़्यादा अच्छी। अरे यार भाई एक स्ट्राइक मार के उसने डिफेंस लिया तो तुमने अगेन एक स्ट्राइक क्यों मार दी, उसने कैंसिल तो किया नहीं ब्रो, बूम। खैर तुम अच्छा खेल रहे हो अभी तक, स्ट्रेटजी जितनी भी तुमने लगाई है वो सब अच्छी थी एंड ओके सुपर मोड बूम। ओपे भाई क्या नशे हैं, सुपर मोड गलत टाइम पे ले रहे हो तुम, सुपर मोड गलत टाइम पे ले रहे हो, फ्लाइंग किक मारो पहले ग्रीन रेंजर वाली, उसके बाद तुम मारो सुपर मोड का कोई सा भी, बूम बूम ओ क्रिटिकल, ये बढ़िया था आर्म फर्स्ट, ओके एबिलिटी डैमेज बहुत खतरनाक, फायर डैमेज भी साथ में रोला जमा दिया, भाई साहब तुम जीत गए मुबारक हो, मिठाई बांटो एक मोहल्ले में डब्बा, समझ रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो भाई, नेटफ्लिक्स वगैरह पे चिल कर रहे हो भाई, ये गलत बात है, अगर आपने नेक्स्ट टाइम मेरे को ऐसा बैटल भेजा तो मैं लूँगा नहीं। उमित भाई ये चिल विल जो भी करना है, रिकॉर्डिंग वोडिंग चेक करनी है, ये जो भी अपना ये सब पहले चेक करो उसके बाद में बैटल को रिकॉर्ड करो, समझ रहे हो, ये सब रोला अच्छा नहीं लगता है मोहल्ले में, समझ रहे हो। तो बढ़िया करो, अच्छे से वीडियो भेजो यार, अच्छा लगता है लौंडों के बीच में तुम्हारी बेइज्जती करूँ मैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भाई साहब जो है हमारा ओके ओ ब्रेकर, अच्छा तुम्हारे पास तो मूवी नहीं था ना उमित भाई कोई भी, ओके थीरू भैया ने एक स्ट्राइक और दो डिफेंस लगाए हैं, भाई साहब क्या टीम है,
दोनों स्लॉट में दोनों लौंडों ने डिफेंस लगाया है और ऑलमोस्ट दोनों लौंडों ने एक ही जैसी ओके ये लो एबिलिटी डैमेज बहुत खतरनाक लेकिन वहाँ चुद गई समझ रहे हो। एबिलिटी अच्छी है इसीलिए अनबॉक्सिंग नहीं करनी चाहिए थी। महेश गेमर भैया आए हैं सामने साथ में अवेंजर भाई खेल रहे हैं अवेंजर ओ कैप्टन अमेरिका वालों ने निकाल दिया क्या बाहर। खैर महेश भैया की टीम जो है वो रेड सॉरी ब्लैक जियो की है ओके सुअर मतलब बहुत मारा तुमने मजे कर दिए अबे डिफेंस लो ओ बॉस ले आगे बढ़ के मारना ले लौंडे लग गए दोनों की टीम ऑलमोस्ट एक जैसी ही है एक ब्रेकर एक शील्ड और एक स्ट्राइक एक डिफेंस और जो दोनों ने ही लगाया है गोल्डन जियो ले तो यार मूव्स काफ़ी जो है ओपी होने वाले हैं। समझना ये है कि कौन किसकी लेता है सॉरी कौन किसको मारता है और यहाँ पे ब्रेकर बोम पड़ा था उसके बाद स्ट्राइक भी पड़ गया एक और ब्रेकर हॉक दो यार उसके बाद डिफेंस है मारो बे ब्रेकर ले अबे ब्रेकर मार ले वाह 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 स्ट्रेटजी अच्छी थी लेकिन स्वाइप बैक करके नहीं स्वाइप आगे को करके मारना चाहिए था ताकि मूव पड़े समझ लो। स्ट्रेटजी वैसे अच्छी लगा रहे हो दोनों रोला जब दोनों की गांड फट रही है आगे पीछे दौड़े जा रहे हैं बहुत बढ़िया वहीं से मारना था ना स्वाइप करने की क्या ज़रूरत थी ओके ओके डिफेंस ओ भाई क्या बात है वो बढ़िया आउटो लेवल में ये खतरनाक इंटेंस मैच मेरे को देखने को मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था सोचा नहीं था ओके बहुत बढ़िया भाई क्या भाई साहब फिनिश किया है मजे आ गए महेश भाई बिग शाउट आउट टू यू मजा। सूरी केन भैया अगेन 2900 पॉइंट पे आ चुके हैं आर्ट भैया भी 2900 पे हैं अच्छा सब लो रैंक पे हैं बहुत बढ़िया भाई क्या रोला जमा रहे थे क्या ओके लो डिफेंस नहीं लीन था वो इसीलिए स्ट्राइक मिल गए उनको पहले ही और क्या डैमेज है भाई उसकी 17000 की HP है तुम्हारी 18000 भाई किस कदर लैंडी है ओके 18000 वाले भाई साहब तुम भी बढ़िया खेल रहे हो 17000 वाले भाई साहब तुम भी बढ़िया पेले जा रहे हो बहुत सही लपेटे जाओ मतलब धुले जाओ नहीं मतलब सूते जाओ नहीं जो भी किए जाओ पर किए जाओ मतलब मारो उसको यार कुछ तो करो भाई साहब ओके डिफेंस कब लोगे तुम इसी साल ले लोगे ओके मेरे को लगता नहीं कि इनका डिफेंस दबेगा सेबर स्लैशर वाला फाइनली एक बार दब गया। तो गाइस यार ये वाला वीडियो कैसा लगा अब बहुत ही जल्द नए वीडियो आएंगे तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में टिल देन सभी को बाय।